नसरुल्ला गनज। इन दिनों ठंड चरम पर है। सुबह के वक्त तापमान 9 से 7 डिग्री तक चला जाता है। इसके कारण गेहूं की फसलों के ऊपर उसकी बूंदे जमने लगी है। सुबह के वक्त खेतों पर उसकी सफेद चादर ओढ़े नजर आती है। जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे ही मौसम खुशनुमा हो जाता है। कड़ाके की ठंड से शाम के वक्त लोगों का निकलना कम हो गया है। ज्यादातर व्यक्ति अलाव के सहारे बैठे नजर आ रहा है। कड़कड़ाती ठंड में किसानों की नींद उड़ा रखी और पारा गिरने से चने एवं सब्जियों की फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि अगर पारा 5 डिग्री तक पहुंचा तो चने की फसल में पाला जाने की संभावना बढ़ जाएगी है। संवाददाता नसरुल्ला गनज, पवन माहेश्वरी। क्या नाम है आपका? राधेश्याम मीणा। मीणा जी, कहाँ के किसान हैं आप? पहले बोरखड़ा कला नसलन जिला। और जिस प्रकार ये अभी देखा जा रहा है आपकी ये फसल चने की जो बोई है इसमें कुछ सूख रही है, क्या कारण है इसका? ये अभी मौसम खराब हुआ है बादल के कारण, ये मतलब एकदम बारिश के कारण, ठंड के कारण, मतलब ये सूख रहा है। मतलब ठंड अधिक पड़ रही है? ठंड अधिक पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इस कारण मतलब ये सूख रहा है। अच्छा, सुबह सुबह क्या इस पे ओस की बूंदें जम जाती है? हाँ, जम जाती है। मतलब क्या लग रहा है कि ज़्यादा ठंड के कारण? ठंड के कारण मतलब ओस जम रही है, इसके कारण ये चने सूख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं कमलेश ठाकुर, ग्राम लालकुई, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। कमलेश जी, अभी इस समय 60 डिग्री यहाँ पर तापमान चल रहा है, तो इसमें फसल को कोई नुकसान वगैरह कुछ? इससे अगर ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फसल को नुकसान हो सकता है। ये क्या है? फसल जा सकती है इससे? सकता है, हो सकता है नुकसान हुए। जिस प्रकार से ये मौसम देख रहे हैं अपन की ठंड का मौसम, और इस समय जो तापमान है वो 9 से 7 डिग्री और रात के टाइम में 8 डिग्री से नीचे चला जा रहा है, तो ऐसे में फसल को क्या क्या नुकसान हो रहा है? इस समय सर क्या है कि जैसे दो तरह की फसलें अपने यहाँ लगी हुई है, एक तो चना लगा हुआ है, एक गेहूं लगा हुआ है। अधिक जहाँ ठंड की बात करें हम, अधिक ज़्यादा ठंड पड़ने से गेहूं को उतना नुकसान नहीं जितना नुकसान चने को। चने को क्या है कि ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण चना पाला जा सकता है। तो जहाँ तक की बात है कि जैसे 60 डिग्री या 6 डिग्री से नीचे जब जाने लगेगा टेम्परेचर, तो पाला की अधिक संभावना बढ़ जाएगी। तो जैसे पाले में क्या होता है चने में? तो चने क्या है, पाले जाने से चना सूख जाता है, मतलब ठंड चले जाता है। जहाँ तक हमारे यहाँ अपने यहाँ नसलरंग की भाषा में बोले तो चना ठंड चले जाना, तो ठंड चले जाने की उसमें स्थिति में हम क्या करते हैं कि उसमें सल्फर का स्प्रे करवाते हैं। या तो ऊपर से आप सल्फर स्प्रे करवा दो, या फिर पानी लगाने वाला हो यदि किसान, तो सल्फर नीचे से फेंकवा कर और ऊपर से पानी लगवा दो। इससे क्या होता है? इससे फसल में गर्माहट बन जाती है और चना पाला जाने से बच जाता है। अच्छा, जिस प्रकार देखा जाए कि चने इस समय फूल पे है, कहीं घेटी पे आ रहा है, ऐसे में अगर ठंड और बढ़ जाती है तो क्या नुकसान? ठंड बढ़ने से सर नुकसान ही है। ज़्यादा ठंड पड़ने से क्या है कि जैसे ज़्यादा जैसे ठंड पड़ेगी तो चना जैसे फूल पर रहेगा तो फूल मारे जाएंगे, फूल का नुकसान ही होगा। यहाँ पर ठंड पड़ने से अल्टीमेटली नुकसान ही है। ऐसे में जैसे कि और गेहूं की जो फसल की बात करें, इस साल गेहूं में जड़ माहू नामक एक बीमारी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि एक जड़ में माहू होता है, कीट थ्रिप्स होता है, जो कि बहुत मात्रा में इस बार है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स लग रहा है, और अधिक नमी की वजह से बादल हो रहे हैं और ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो उनकी मात्रा और अधिक तेज रूप से बढ़ी रही है, तो गेहूं को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, ऐसे में जैसे ये जो बीमारी लग रही है, ऐसे में किसान क्या कर सकता है जिससे? किसान भाई ये करें कि किसान भाई उसके रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक एक दवाई आती है, या थायोमेथॉक्सम नामक एक दवाई आती है, उसका स्प्रे करके और बच सकता है किसान।